नेटो के जिस खतरे को दूर करने के नाम पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 2.5 साल से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, वो खतरा अब उनके देश के और करीब आ सकता है। रूस के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला पोलैंड अपने यहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है। पोलिश राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए नेटो अपने न्यूक्लियर हथियारों की नए सिरे से तैनाती का फैसला करता है तो उनका देश उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि अगर नेटो अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने का फैसला करता है तो पोलैंड अपने इलाके पर परमाणु हथियारों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। रूस कोनिंग्सबर्ग इलाके का तेजी से सैन्यकरण कर रहा है। हाल ही में वो अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में स्थानांतरित कर रहा है। परमाणु हथियारों का साझाकरण पोलैंड और अमेरिका के बीच कुछ समय से बातचीत का विषय रहा है। मालूम हो कि पोलिश राष्ट्रपति डूडा ने हाल ही में न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। इस पर उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बहुत सारे सामान्य विषय हैं। वो एक राजनेता हैं। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उनके साथ मैंने 4 साल तक अमेरिका से सीधे सहयोग किया। हम तब से दोस्त हैं। मुझे वास्तव में उनसे बात करना पसंद है क्योंकि उनका एक बेहद दिलचस्प व्यक्तित्व है और उनके पास राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों तरह का काफी अनुभव है। बताया जा रहा है कि पोलिश प्रधानमंत्री ने डूडा के बयान पर हैरानजनक प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि राष्ट्रपति के बयान के पीछे के इरादे को समझने के लिए उनसे बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पोलैंड सुरक्षित और अच्छी तरह से सशस्त्र हो, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि किसी भी पहल के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से बहुत अच्छी तरह से तैयारी की जाए। ऐसे में जाहिर है कि डूडा ने पोलिश सरकार के साथ पहले से इस विषय पर चर्चा नहीं की थी। इस पर मॉस्को ने अपने देश में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात करने के लिए पोलिश राष्ट्रपति के निमंत्रण की निंदा की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी के लिए रूस सभी जरूरी जवाबी कदम उठाएगा। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने डूडा के बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा कि ये कुछ अप्रत्याशित नहीं था। मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि नेटो के साथ रूस के संघर्ष की स्थिति में पोलैंड पर अमेरिकी परमाणु हथियार वैध लक्ष्यों की सूची का हिस्सा होंगे। पोलिश अधिकारी लंबे समय से यूरोप में तैनात अमेरिकी परमाणु हथियारों पर निर्भर रहने की इच्छा को सार्वजनिक कर रहे हैं। दरअसल पोलिश रक्षा मंत्रालय और देश के शीर्ष राजनयिक साल 2015 से न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में पोलैंड की भागीदारी की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। साल 2022 में भी पोलिश पीएम ने ये बात दोहराई थी। पोलैंड साल 1999 में नेटो में शामिल हुआ था। बता दें कि फिलहाल नेटो के केवल 3 सदस्य देशों के पास ही अपने परमाणु हथियार हैं। वे देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस हैं। वहीं न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत ऐसे हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में भी रखे गए हैं।